पाइथन का आज ये पहला क्लास है और इसमें आज हम देखेंगे कि पाइथन क्यों इस्तेमाल किया जाता है और पाइथन कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की पाइथन प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज जो है उसका नाम पाइथन कैसे पड़ा। तो पाइथन जो इन्वेंट किया था वो इन्वेंट किया था गाइडो वैन रसम ने ही, एक डच प्रोग्रामर थे। और पाइथन रिलीज हुआ था आपका 1991 में। जब वो पाइथन अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे थे, जब उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम नहीं दिया था, तब वो एक कॉमिक सीरीज पढ़ते थे जिसका नाम था मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस। इस कॉमिक सीरीज से वो इतना इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। आप देख सकते हैं विकीपीडिया पे, गूगल पे आप करेंगे मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस तो आप पाएंगे इस प्रकार के पेजेस और बहुत सारे वीडियोस आपको, बहुत सारी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी जिसमें इसकी स्टोरी आपको मिल सकती है। ये लिखा था जो इस कॉमिक सीरीज के राइटर थे वो थे मॉन्टी पाइथन, इसलिए जो हमारे प्रोग्रामर थे वैन रसम वो उन्होंने ये मॉन्टी पाइथन से इंस्पायर हुआ और अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लें हम। देखिए सिंपल भाषा में आपको बताऊं, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों समझते हैं, आपका पीसी और आप दोनों समझे, ऐसी लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज दैट बोथ कंप्यूटर एंड ह्यूमन अंडरस्टैंड्स। थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। ह्यूमन जो होते हैं ये किस प्रकार की लैंग्वेज समझते हैं, ये इंग्लिश या हिंदी या तेलुगु इस प्रकार की लैंग्वेज समझते हैं। मशीन क्या समझती है, मशीन आपकी जो रहती है इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलकर बनती है और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आपके डिफरेंट वोल्टेज लेवल्स पे काम करते हैं। एट प्रेजेंट हम दो वोल्टेज लेवल पे ही काम कर रहे हैं, लो वोल्टेज लेवल और हाई वोल्टेज लेवल। लो वोल्टेज लेवल को जनरली जीरो कहा जाता है, हाई वोल्टेज लेवल को जनरली वन कहा जाता है। तो हम समझ सकते हैं कि मशीन आपकी जीरो और वन या कहना चाहिए बाइनरी वोल्टेज लेवल्स पे काम करती है। हम समझते हैं इंग्लिश प्रकार की लैंग्वेज, मशीन समझती है वोल्टेज की भाषा या बाइनरी भाषा। अब सामंजस्य कैसे होगा तो वो देखते हैं। मशीन जो समझती है या ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के बहुत करीब हो उसको कहा जाता है लो लेवल लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो हमारे बहुत करीब हो या हम उसको आसानी से समझ सकते हैं उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो देखिए लेवल हमारा मशीन से चालू होता है ह्यूमन की तरफ, इसलिए ऐसी लैंग्वेज जो मशीन के करीब हो उसको लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है और ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन के करीब हो उसको कहा जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब दोनों में सामंजस्य कैसे बैठेगा, तो ये काम होता है एक सॉफ्टवेयर का जिसको कहा जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर। इस सॉफ्टवेयर का काम ही ये रहता है कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। आपको जो भी लिखना होगा आपने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा और इस कंपाइलर को दे दिया, कंपाइलर ने अपना प्रोसेसिंग किया और आपकी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज की भाषा में कन्वर्ट कर दिया और मशीन को उसको दे दिया। इस प्रकार से आपने जो कहा मशीन ने वो समझ लिया। यही होती है सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन हम क्यों सीखे, पाइथन सीखने के बहुत सारे कारण हैं। मैं इस स्लाइड में, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे 10 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको पाइथन सीखने के लिए मोटिवेट करने वाले हैं। सबसे पहला, आप अगर पहली बार प्रोग्रामिंग करना सीख रहे हैं या आप ये आपकी ये पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पाइथन सीखने में काफ़ी सरल लगने वाली है, इसको आपको लिखने में कम समय लगेगा, कम कोड्स लिखना पड़ता है, कम लाइन लिखनी पड़ती है और सारे काम होते हैं। इसलिए एज अ बिगनर पाइथन काफ़ी क्लियर लैंग्वेज है, इसका सिंटेक्स बहुत क्लियर है, इसको लिखने का तरीका बहुत क्लियर है, इसलिए आप पाइथन पे जा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझाऊँ, अगर आपको, अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कोई चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट करा रहे हैं, तो उसके लिए आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 4 लाइन लिखनी रहती है, लेकिन आप पाइथन में वही काम 1 लाइन से कर सकते हैं, इतनी सरल है पाइथन। अगला पॉइंट है, पाइथन आपकी ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब पाइथन का सॉफ्टवेयर फ्रीली अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना होगा। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, मतलब ये इस प्रकार की लैंग्वेज है जो हमारे बहुत करीब है, हम इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का मतलब ये हुआ कि आप पाइथन में जो भी कोड लिखते हैं और उसको रन कराते हैं तो वो लाइन बाय लाइन आपका एग्जीक्यूट होता है एक एक करके, तो आपका रन टाइम एरर्स जो आते हैं आप देख सकते हैं। इसको, इस पॉइंट पे, ये थोड़ा टेक्निकल पॉइंट होगा, इसको हम आगे डिटेल्स में कवर करने वाले हैं। एट प्रेजेंट आप समझ लीजिए पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। पाइथन हैज़ अ लार्ज कम्युनिटी, बहुत सारे लोग पाइथन को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए इसका जो कस्टमर बेस है बहुत सारे लोगों
जो इस्तेमाल कर रहे हैं, काफ़ी कोड्स आपको पहले से मिल जाएंगे और काफ़ी जो भी आपकी प्रॉब्लम हो गई वो पहले से ही सॉल्व हो चुकी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो आना है ऑनलाइन और इस प्रकार की कम्युनिटी सर्च करना है, पाइथन कम्युनिटी, बहुत सारे फोरम्स आपको मिल जाएंगे, वहाँ पे आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और आप रिजल्ट पा सकते हैं। तो पाइथन काफ़ी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है पाइथन एज अ लार्ज कम्युनिटी, आपकी प्रॉब्लम कुछ ही मिनटों में सॉल्व हो जाएगी पाइथन में। अगला पॉइंट जो है आपका, पाइथन पोर्टेबल है। इसका मतलब समझिए, अगर आपके पीसी में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला है या आपके पीसी में मैक ओएस डला है या आपके पीसी में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पाइथन कोड तीनों सिस्टम में, तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में कहीं भी रन कर सकता है। ये आपने अगर विंडोज में कोड लिखा है तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं लिनक्स में और वो आपका सारा कोड चलने वाला है। इसका मतलब पाइथन पोर्टेबल है, आप एक ओएस से दूसरे ओएस में उसको आराम से ले जा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। अगर पाइथन पोर्टेबल है तो पाइथन एक्सटेंसिबल भी है। एक्सटेंसिबल का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं, दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर कोई कोड लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल जावा में कोई कोड लिखा है, सी में कोई कोड लिखा है, तो उन कोड को आप अपने पाइथन के प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं और आप अपने कोड की फंक्शनैलिटी को बढ़ा सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए कहा गया है पाइथन आपका एक्सटेंसिबल है। देखिए कितनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, आप हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने पाइथन में इस्तेमाल कर सकते हैं, उन लाइब्रेरी को आपको इन्वोक करना होगा और आप उनके फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखेंगे हम आने वाले वीडियो लेक्चर जो हमारे होने वाले हैं उसमें हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं कि किस प्रकार से आप दूसरे कोड को अपने प्रोग्राम में लाएं और इस्तेमाल करें। अगला पॉइंट आपका आता है, पाइथन वेब डेवलपमेंट में यूज़ होता है। वेब डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ, अगर आपको वेबसाइट बनाना है या वेब एप्लीकेशंस बनाने हैं तो आप पाइथन का इस्तेमाल करके उसे बना सकते हैं। बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है जो पाइथन पे बेस्ड हैं, जैसे कि जेंगो, फ्लास्क, पाइलॉन्स, वेब टू पाई, और यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने दिखाया है कि आपको टॉप 10 वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क्स कौन कौन से हैं प्रेजेंट। इसमें से काफ़ी फेमस है जेंगो, पिरामिड, फ्लास्क, टोनाडो, वेब टू पाई, चेरी पाई, सैनिक, पोर्टल, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। ये फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करने के लिए आपको पाइथन आना ज़रूरी है, इसलिए पाइथन आपको सीखना चाहिए। पाइथन जो है आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। इसका जो लाइब्रेरीज कौन कौन सी अवेलेबल है जिसको पाइथन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं एआई और एमएल में, वो है आपकी साइकिट लर्न, केरास, टेंसर फ्लो, ओपन सीवी। थोड़ा सा मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात बताना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब में कोई वीडियोस देखते हैं या आप गूगल में कोई सर्च करते हैं या आप अमेजन में कोई प्रोडक्ट देखते हैं, तो बार बार आपको उसी प्रकार के प्रोडक्ट दिखने लगते हैं हर जगह। ये कैसे हुआ? वहाँ पर कोई एक बंदा नहीं बैठा है जो आपको देख रहा है कि आपने क्या सर्च किया। ये पूरा एक सॉफ्टवेयर रहता है जो देखता है कि आपने क्या सर्च किया और उस हिसाब से आपको रिकमेंड करता है। तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर हमारे एक मशीन हो गई और वो मशीन खुद सीख रही है आपके सर्च रिजल्ट से कि आपको क्या पसंद है और वो आपको उस प्रकार के रिजल्ट दिखाएगी। तो इस प्रकार की चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में होती है। तो ये स्लाइड में देखिए आप, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिनको हम एआई और एमएल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि पाइटॉर्च, स्क्रैपी, थियानो, पैंडास, केरास, नमपाई, साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो। साइकिट लर्न, टेंसर फ्लो, ये सारे गूगल ने डेवलप किए हैं और गूगल एआई और एमएल पे काफ़ी काम कर रहा है। ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइथन इज ग्रेट इन क्रिएटिंग ग्राफिक यूजर इंटरफेस एंड गेम। ग्राफिक यूजर इंटरफेस का मतलब मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि आपने अपने मोबाइल में कैलकुलेटर ऐप को ओपन किया तो उसमें आप देखेंगे आपको बहुत सारी बटन्स मिल रही है, स्क्रीन दिख रही है जिसको आप इंटरेक्ट कर सकते हैं। आप उसमें टाइप करेंगे आपको स्क्रीन पर देखने लगेगा। तो इस प्रकार के जो इंटरफेस होते हैं, जो ह्यूमन को मशीन के साथ इंटरफेस, मतलब आप ह्यूमन हैं और वो जो सॉफ्टवेयर है वो जीयूआई है और उसके पीछे एक हार्डवेयर लगा हुआ है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है ये हमारा इंटरेक्शन करवा रहा है उस हार्डवेयर के साथ। तो इस प्रकार के जो इंटरफेस होते हैं इसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं। आप पाइथन से इस प्रकार के ऐप, इस प्रकार के इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। आप पाइथन से गेम क्रिएट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जैसे टिकिंटर जो लाइब्रेरी है ये आपकी जीयूआई क्रिएट करने के काम आती है। जायथन आपके पाइथन और जावा के दोनों की फंक्शनलिटी को कंबाइन करके दोनों की पावर आपको प्रोवाइड करता है। डब्ल्यू एक्स पाइथन आपका ओपन सोर्स पाइथन इंटरफेस है जो विंडोज के लिए अवेलेबल है। पाई गेम जो है आपका गेम बनाने के काम आता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं सारी चीज़ें पाइथन में इनकॉर्पोरेट हो जाती है। अगला पॉइंट है, पॉपुलर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फ्रेमवर्क्स आर बेस्ड ऑन पाइथन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है, 2 मिनट में आपको बताऊंगा। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना कि उसमें कोई खामी है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया और वो अपने यूजर को इस्तेमाल करने के लिए देना चाहती है,
और बिना टेस्टिंग के अगर उसने यूजर को दे दिया टेस्ट करने की, आप इस्तेमाल करो, आप यूज करो, तो बहुत सारे ऐसी दिक्कतें रहेंगी उस सॉफ्टवेयर में जो बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। ऐसी दिक्कतें सॉफ्टवेयर की बग्स कहलाती हैं। तो हमारे कभी भी कंपनी डायरेक्ट यूज़र को सॉफ्टवेयर बना के नहीं प्रोवाइड करती, वो पहले सॉफ्टवेयर बनाती है, फिर सॉफ्टवेयर टेस्टर ऐसे इंजीनियर ऐसे प्रोग्रामर होते हैं जो उन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, और सारी चीज़ें जब सही हो जाती हैं, सारे रिजल्ट ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, तब जाके यूज़र्स को प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स वहाँ पे हैं जो इन सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, वो ऐसे नहीं है कि दिन भर उस सॉफ्टवेयर को चला के देखते हैं, वो कुछ टूल्स इस्तेमाल करते हैं जिनकी सहायता से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की जाती है। और ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स अवेलेबल हैं, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टूल्स अवेलेबल हैं जो पाइथन पे बेस्ड है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि सेलेनियम, स्प्लिंटर, पाई टेस्ट, रोबोट फ्रेमवर्क, ये सारे टूल्स आपके सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के काम आते हैं जो पाइथन पे बेस्ड है। बिग डेटा, कभी भी डेटा जब बहुत सारा हो जाता है तो हम उसको बिग डेटा कहते हैं, और बिग डेटा मैनेज करना एक काफ़ी क्रिटिकल टास्क हो सकता है। तो पाइथन आपको बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज देता है, फॉर एग्जांपल बिग डेटा की लाइब्रेरीज हो गई पाइटूप आपकी, पाई स्पार्क और हमारा डास्क, ये सबका इस्तेमाल करके आपको कहीं भी ऐसा डेटा है जो बहुत सारा है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाऊँ, एमपी में नंबर ऑफ फैमिलीज अगर 1 लाख है और 1 लाख फैमिलीज में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, तो आपको 1 लाख डेटा मिलेगा। 1 लाख डेटा इज़ नॉट वेरी लेस, बहुत सारा होता है 1 लाख। इतने सारे डेटा को मैनेज कर कोई आप कैसे करोगे? तो आपको अपने कोड में इन प्रकार की लाइब्रेरीज इस्तेमाल करनी होगी, जैसे कि पाइडू, अगर आप पाइथन इस्तेमाल करें तो आपको यूज़ करना होगा पाइडू डेस्क या पाइस्पार्क, और आप फिर उसको इस्तेमाल करके कम समय में कम कोड लिख के आप मैनेज कर सकते हैं बिग डेटा को। तो पाइथन आपको बिग डेटा मैनेज करने का भी प्रोविजन प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद आपको पाइथन के जो कोड्स रहते हैं आप सॉफ्टवेयर ऑटोमेट करने के काम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको चाहते हैं कि आपके फेसबुक में हर 2 घंटे में पोस्ट हो, हर इंस्टा में 2 घंटे में पोस्ट हो, हर 1 घंटे में आपके ट्विटर में पोस्ट हो, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको एक स्क्रिप्ट लिखनी होगी, आपको पाइथन में एक प्रोग्राम लिखना होगा और उसको रन करा देना होगा। अब ये उस पाइथन प्रोग्राम का काम हुआ कि वो आपकी डिटेल्स फेच करे और FB में, इंस्टा में हर 2 घंटे में पोस्ट करें। तो आपने एक सॉफ्टवेयर को ऑटोमेट कर दिया, वो अब अपने आप काम कर रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ों को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन। तो पाइथन से आप सॉफ्टवेयर ऑटोमेशन कर सकते हैं, पाइथन से आप हार्डवेयर ऑटोमेशन भी कर सकते हैं। इस प्रकार के बोर्ड्स बहुत सारे अवेलेबल है आज के दुनिया में जो पाइथन को हार्डवेयर ऑटोमेशन करवाने के लिए सपोर्ट करते हैं। एक बोर्ड का एग्जांपल मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, इस बोर्ड का नाम है रेसबेरी पाई 4। इसमें आप पाइथन से कोड करके सेंसर इंटरफेस कर सकते हैं, लोड्स को, बल्ब, फैन, ये सारे जो लोड्स हैं आपके, स्क्रीन, कैमरा, ये सबको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस प्रकार के बोर्ड्स आपके ड्रोन में भी इस्तेमाल होते हैं। तो आप इन बोर्ड्स को प्रोग्राम कर सकते हैं यूजिंग पाइथन, और आप जो करवाना चाहें इनसे आप वो करवा सकते हैं। तो ये हमारा हार्डवेयर ऑटोमेशन कहलाते हैं। आप देख सकते हैं रेसबेरी पाई जो नाम है उसमें पाई जो शब्द है वो पाइथन से इंस्पायर्ड है। तो आप पाइथन की फंक्शनैलिटी या पाइथन कितना पॉपुलर है आप देख सकते हैं। 2020 में एक सर्वे किया गया था स्टैक ओवरफ्लो की तरफ से, जिसमें देखा गया कि पाइथन जो है वो सबसे ज्यादा चाहने वाली लैंग्वेज है। इसका मतलब जो दुनिया के प्रोग्रामर्स है 30% ऑफ प्रोग्राम्स कहते हैं कि वी विल लव टू कोड इन पाइथन, वो पाइथन में कोड करना चाहेंगे। अब कोई पाइथन में कोड क्यों करना चाहेगा ये आप समझ सकते हैं। पाइथन ईजी है, क्लियर है, और सारी फंक्शनैलिटी आपको प्रोवाइड करती है जो आज की दुनिया में हमको आना चाहिए। हमने बहुत सारे रीजंस देख लिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड। और पाइथन इंस्टॉल करने का प्रोसीजर इस PDF में दिया गया है, और ये PDF आपको ग्रुप में शेयर की गई है। आप इस PDF को ओपन कर लीजिए और जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उसको फॉलो कर लीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी पाइथन इंस्टॉल करने में। आपको करना क्या है, आपको गूगल क्रोम खोलना है और वहाँ पर जाना है, लिखना है पाइथन डाउनलोड। पाइथन डाउनलोड जैसे ही आप लिखेंगे तो आपको डाउनलोड पाइथन करके python.org की एक वेबसाइट मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। इस इंटरफेस में कहीं लिखा होगा डाउनलोड पाइथन, आपको पाइथन डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अगर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लिनक्स यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आप मैक को ऐसे यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और अपना पाइथन डाउनलोड कर लीजिए। पाइथन आप अपने OS के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप विंडोज 7 चला रहे हैं या पुराना विंडोज़ चला रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा पाइथन 2.7 को डाउनलोड कीजिए और उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस प्रकार की फाइल डाउनलोड हो जाएगी जो करीब 27 MB की होगी। उसको डबल क्लिक करिए और यहाँ पे ऐड पाइथन टू पाथ, इसको टिक करना, और इसके ऊपर वाला जो है हमारा इंस्टॉल लॉन्चर फॉर यूजर, इन दोनों को आप टिक करना ना भूलें, दोनों को चेक कर दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए फिर इंस्टॉल
नाउ पे। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपका सेटअप जो है इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। आप थोड़ा वेट करिए, जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा लिख के आएगा फिर आपको सेटअप वॉज सक्सेसफुल। आप क्लोज कर दीजिए, आपने पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक करें कि किस प्रकार से वो इंस्टॉल हुआ देखने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने सिस्टम के यहाँ सर्च बार में जाना है और लिखना है पाइथन। जैसे ही आप पाइथन लिखेंगे इस प्रकार का, आपको अगर आपके पास 32 बिट होगा तो 32 बिट लिख के आएगा, मेरे पास 64 बिट है तो यहाँ पर 64 बिट लिख के आया है। आप यहाँ पर ओपन कर दीजिए। ओपन करने के बाद आपको इस प्रकार की ब्लैंक स्क्रीन मिलेगी और इस ब्लैंक स्क्रीन में यहाँ पर आपको पाइथन लिखा हुआ होगा और ये 3 फॉरवर्ड एरोस शो होंगे। ये फॉरवर्ड एरो आपके पाइथन के कमांड प्रॉम्प्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या हम पाइथन के कमांड को रन कराते हैं। तो इस प्रकार से आप पाइथन में देख सकते हैं आपका पाइथन इंस्टॉल हुआ। पाइथन में आपको एक और चीज़ मिलेगी आइडियली, जब आप इंस्टॉल करेंगे आपको दो चीज़ें मिलेंगी। पहला आपको पाइथन शेल मिलेगा, जो अभी हमने देखा ब्लैक स्क्रीन वो पाइथन शेल थी, और दूसरी चीज़ आपको मिलेगी आइडियली। IDLE stands for Integrated Development Learning Environment। इसको ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च बार में लिखना होगा IDLE और क्लिक कर देना होगा ओपन पे। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपको वाइट कलर का दिखेगा, सिर्फ कलर चेंज है। यहाँ पे देखिए IDLE लिखा है, तो ये आपका IDLE शेल के जैसे काम करेगा। यहाँ पे आप कमांड लिखिए, एग्जीक्यूट कराइए। अगर आपको बड़े प्रोग्राम्स लिखना है तो आपको क्या करना होगा, फाइल पे जाना होगा और क्लिक करना होगा न्यू फाइल पे। इस प्रकार से फाइल पे जाना होगा और क्लिक करना होगा न्यू फाइल पे, तो आपको एक और विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में आप अपना बड़ा सा प्रोग्राम जो भी है लिखना चाहेंगे और उसको फिर यहाँ से डायरेक्ट ही रन करा सकते हैं। यहाँ पे रन पे क्लिक करके आप उसको रन कराएंगे। हम फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं सारी चीज़ें, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप सिर्फ इंस्टॉल करें। तो आपने देखा आपने पाइथन को इंस्टॉल किया, तो पाइथन इंस्टॉल पर आपको दो चीज़ें मिली, पाइथन का शेल और पाइथन आइडियली। अब हम एक तीसरा सॉफ्टवेयर या दूसरे सॉफ्टवेयर कहें इंस्टॉल करने वाले जो हैं वो है पाईचार्म। पाईचार्म इंस्टॉल करने के लिए ये क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इस्तेमाल करेंगे, हम देखेंगे फ्यूचर में। अभी आप सिर्फ इंस्टॉल करके अपना सिस्टम रेडी कर लीजिए, रेडी हो जाइए पाइथन सीखने के लिए। तो आप पाइथन का पाईचार्म डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा पाईचार्म डाउनलोड, और यहाँ जेटब्रेन्स की वेबसाइट है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको एक विंडो ओपन हो जाएगी पाईचार्म की। यहाँ पे आपको दो वर्जन दिखेंगे, प्रोफेशनल और कम्युनिटी। प्रोफेशनल वाला पेड होता है, ट्रायल सिर्फ 30 दिन का रहता है, तो इसको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आपको पाइथन सीखना है तो आप कम्युनिटी वर्जन को डाउनलोड कीजिए। यहाँ सीधे डाउनलोड पे क्लिक करिए, 350 MB करीब होगी, तो आपको ये थोड़ा टाइम लेगा डाउनलोड होने में। जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा आप उस पर डबल क्लिक करिए, आपको इस प्रकार से आएगा और आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए। आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही कहीं भी क्लिक नहीं करना है, कहीं भी कुछ टाइप नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जो आपको दिख रहा है सिर्फ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। इस प्रकार से फिर वो टाइम लेगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में और आपका पाईचार्म आईडी इंस्टॉल हो जाएगा। आखिर में फिनिश पे आप क्लिक कर सकते हैं। पाईचार्म ओपन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो हमारा सर्च बार था वहाँ पे आपको लिखना होगा पाईचार्म, और यहाँ से आप पाईचार्म को ओपन कर सकते हैं या यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिख जाएगा। कंटिन्यू कर देंगे, आपको फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आई कन्फर्म पे क्लिक करके कंटिन्यू कर देना है आपको, और आपको इस प्रकार का वेलकम टू पाईचार्म की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। इस प्रकार से आप जो भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहे वो प्रोजेक्ट का नाम यहाँ दीजिए और यहाँ पे क्लिक करिए क्रिएट। क्रिएट क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम लेगा ये सेटअप करने में, आपको वेट करना है। वेट करने के बाद इस प्रकार की ब्लैक स्क्रीन आ जाएगी। ये देखिए ये थीम है इसकी। अगर कई लोगों को ब्लैक में कोड करना अच्छा लगता है, कई लोगों को व्हाइट में कोड करना अच्छा लगता है, आप चेंज कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं ब्लैक टू व्हाइट में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए आपको करना होगा, आपको फाइल पे जाना है, फाइल पे जाने के बाद सेटिंग पे जाना है। सेटिंग में जाने के बाद इस प्रकार का आपको विंडोज मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग के विंडो में आपको अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे थीम में आपको ड्रैकुला, ड्रैकुला मतलब ब्लैक थीम या डार्क थीम, आप इसमें क्लिक करके इंटेलिजिया करके एक थीम होगी वो लाइट थीम है आपकी, उसको सेलेक्ट करके नीचे अप्लाई करने के बाद ओके कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने थीम सेलेक्ट कर ली। दूसरा आपको ये सेलेक्ट कर लिया, ये आपको बहुत काम आने वाला है। सेटिंग्स में ही यहाँ नीचे एडिटर में फिर जनरल में जाइए, फिर आप ये दोनों को चेंज फॉन्ट साइज विद कंट्रोल माउस, इसका मतलब आप अपने माउस से ही फॉन्ट साइज को कंट्रोल कर सकेंगे, उसको बढ़ा सकेंगे, उसको घटा सकेंगे, तो इसको टिक करना ना भूलिएगा। इसको टिक करने के बाद अप्लाई करके ओके कर दीजिएगा। ये दोनों सेटिंग करने के बाद आपको इस प्रकार की थीम देखने लगेगी, जो कि थोड़ी सी अलग है, थोड़ी सी शानदार है और थोड़ी सी हमें जानी पहचानी लग रही है।
इसमें आपको कोड लिखने की कुछ नहीं, यहाँ जो आपकी व्हाइट स्क्रीन है यहाँ पे आप कोड लिखिए और यहाँ से डायरेक्ट रन करा सकते हैं, या इस व्हाइट स्क्रीन में राइट क्लिक करके रन भी करा सकते हैं, ये हम देखेंगे फ्यूचर में। एट प्रेजेंट आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर आपके पास पीसी नहीं है तो आप पाइथन को ऑनलाइन भी रन करा सकते हैं अपने मोबाइल में। इसके लिए आपको अपना ब्राउज़र खोलना होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने क्रोम ब्राउज़र खोला है और क्रोम ब्राउज़र खोलने के बाद लिखा मैंने ऑनलाइन पाइथन। तो ऑनलाइन पाइथन आप लिखेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। आप किसी भी वेबसाइट पर क्लिक कर लीजिए, आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना कोड लिखिए और यहाँ देखिए रन करा दीजिए, तो आप अपने कोड को इस प्रकार से पाइथन कोड को वेब ब्राउज़र में भी रन करा सकते हैं। अगर आप वेब ब्राउज़र पर रन नहीं कराना चाहते, आप अपने मोबाइल में आप अपने ऐप स्टोर में जाइए या प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ पे सर्च करिए पाइथन इंटरप्रेटर। जैसे आप पाइथन इंटरप्रेटर सर्च करेंगे आपको बहुत सारे इस प्रकार के एप्लीकेशन मिल जाएंगे। आप चेक कर लीजिए किसकी रेटिंग अच्छी है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पेज में पाइड्रॉइड 3 की रेटिंग अच्छी देख रही है मेरे को, तो मैं इसको डाउनलोड कर लिया। इसको डाउनलोड करके आप सेम आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखेगा जहाँ पे आप कोड कर सकते हैं और वहाँ कहीं रन लिखा होगा। तो इस प्रकार से एक एप्लीकेशन में भी आप अपने पाइथन कोड्स को रन करा सकते हैं। तो आप ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर लीजिएगा, पाइथन को इंस्टॉल करते हैं।